Hey guys, welcome to EBS classes powered by Sarma Education. So, class 12th physics series में एक बार फिर से आपका स्वागत है और यहाँ पे हम जो कवर कर रहे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं एक बार कवर कर चुका हूँ, थ्योरी पार्ट उसका हमने देख लिया है। अब बात है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो अभी हम इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके क्वेश्चंस करवाए थे। और इस लेक्चर में हम लोग जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी उस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, देर नहीं करेंगे फटाफट से। तो एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ और इसको समझेंगे पहले और फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एस सोन, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी द पोटेंशियल एट द सेंटर। इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड विद दोस डी एंड सी रेस्पेक्टिवली, देन, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ये हमें बताना है। देखो, एक क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी जितनी भी साइड्स होती है वो इक्वल होती है ना, फोर साइड्स होती हैं वो सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब यहां से ए बी सी डी, तो एक कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे ए और डी पर क्यू, और बी और सी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है माइनस क्यू। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा, अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल जो होती है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको समझना। मैंने जब थ्योरी पार्ट कवर करवाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, सिंस ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट चेंजेस एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंजेस, ओके, एंड वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रीजन, क्योंकि v इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने बताया कि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वजह से वो चेंज नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ई चेंज होगा, वी जो होगा वो सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ लाइंग एट द डिस्टेंस एल फ्रॉम एंड ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक चार्ज क्यू है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस पूरी रॉड में ए बी के अलॉन्ग, और इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल एल गिवन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा एट द पॉइंट ओ, इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा जो कि इस A से L डिस्टेंस पर स्थित है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या समझना है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अपने को करना क्या है, देखो पोटेंशियल आप निकालोगे पूरे चार्ज, पूरे जो रॉड है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक समान रूप से। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। यहाँ पर सपोज एक स्मॉल डिस्टेंस में मान लेता हूँ जो कि कितनी है, dx है, इसकी वजह से हम यहाँ पे ये जो O पॉइंट है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ से हम मान ले, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है L और इसकी अपनी लेंथ दे रखी है L, तो इस x dx डिस्टेंस से हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा O पर वो कितना होगा, तो ये जाएगा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू एल टू, कितना x इज इक्वल टू, क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस है, देखो a से डिस्टेंस है l और b से डिस्टेंस कितनी है 2l, 2l तक मैंने लिमिट लगा दी, और ये हो जाएगा कितना, k q अपॉन r होता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे फॉर्मूला, k q चार्ज कितना है, q पूरे एक समान रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो q अपॉन l, ठीक है। क्यों लेंगे हम q अपॉन l, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है, q अपॉन l है, एंड के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, हमने कितनी ली है, एक्स, ठीक है, और डी एक्स, इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, तो के कांस्टेंट है, Q
क्यू सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, एल क्यू अपॉन एल पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये होता है लॉग एक्स। और लिमिट क्या लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है एल से लेके और टू एल तक लिमिट लगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के क्यू अपॉन एल, और यहाँ पर अपर लिमिट आएगी तो ये हो जाएगी लॉग टू एल माइनस लॉग एल, ठीक है, लॉग टू एल माइनस लॉग एल हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू एल एन टू अपॉन एल, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, इसका पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, तो दिस वन ऑप्शन ये, ठीक है, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट, तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अगर नहीं आया तो एक बार और समझा दूंगा, ये वाला जो है ये log 2l जो है इसको हम ब्रेक करेंगे तब ये निकल के आ जाएगा, देख लो। अगर नहीं आया है किसी को समझ में, तो ये स्टेप मैंने एक यहाँ से गायब करा है, देखो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एल, और यहाँ से हम इसको ब्रेक कर इसके लिख सकते हैं log 2 प्लस log l, ठीक है, एंड माइनस log l, तो log l से log l कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, log 2, तो यही यहाँ पे आ गया log 2, ठीक है। तो ये स्टेप देख लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है टू और एल के बीच में, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, बाकी फिर के की जगह वन अपॉइंट फोर पे एप्सिलॉन नॉट लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन अ रीजन, द पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट ऑन ए स्मॉल स्फीयर सेंटर्ड एट पी इन द रीजन इज फाउंड टू वेरी बिटवीन द लिमिट्स 589.0 वोल्ट टू 589.8 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर whose radius vector make an angle of 60 degree with the direction of the field। तो हमें बताना है कि what is the potential at the point on the sphere, sphere पर potential कितना होगा किसी point पर जिसकी radius vector जो है वो 60 degree का angle बना रही है from the direction of the field, field के साथ में 60 degree का angle बना रही है। तो इस question के लिए हम क्या करेंगे, देखो change in potential जो होता है वो किसके equal होता है, एक formula आपको पता होना चाहिए, बस उसी से आप पूरा question solve कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल इज गिवन बाय क्या होता है, तो ये होता है डेल वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है ना ये, तो डेल वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो यहां से हो जाएगा डेल वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका फोर पाई ई इंटू आर, या फिर डेल वी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, फोर पाई आर इंटू कॉस थीटा। अब यहां से आप क्या करोगे, इट इज given that potential at point on sphere is varying between 589.0 volt to 589.8 volt, that is del V is equal to कितना हो जाएगा 589.8 minus 589.0 volt, this means आपको theta की value कितनी मिल रही है, तो when theta is equal to 0 लिख देंगे यहाँ पे, when थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो देयर फॉर ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लेते हैं, तो देयर फॉर 0.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई ई इंटू आर, तो यहाँ पे ये लिख देंगे ई कॉस थीटा, तो 4 पाई ई इंटू आर, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो ये आपको मिल जाएगा 4 पाई आर ई कॉस थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.8 is equal to 4 pi e r, ये मिल गया अपने को, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो यहाँ से क्या करेंगे, now when theta is equal to 60 degree तो क्या हो जाएगा, del v is equal to हो जाएगा 4 pi e r cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 pi e r into 1/2, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो, तो ये जो वैल्यू है 4 पाई ई आर की वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 पाई ई आर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा डेल वी इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1/2, यानी कि ये आ गया 0.4। नाउ देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोटेंशियल इज
वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 589.0 प्लस 0.4, यानी कि वी इज इक्वल टू 589.4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब इसमें चेक करते हैं कि ये कहीं पे दिया है कि नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, 589.4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम्स बाय 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पॉइंट्स के बीच में वो कितना होगा, ये हमें बताना है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट जो गिवन है उसको हम ले लेते हैं। क्या क्या गिवन है? तो गिवन है कि ऑन मूविंग चार्ज ऑफ 20 कूलम, 20 कूलम का चार्ज यहाँ पे गिवन है। कितना सेंटीमीटर मूव करता है? 2 सेंटीमीटर मूव करता है। तो 2 जूल कार्य उसको करना पड़ता है, यानी कि 2 जूल वर्क डन होता है। तो हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पॉइंट्स के बीच में वो कितना होगा। तो सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इज इक्वल टू कितना होता है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डी डब्ल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट डी वी इज इक्वल टू 2 अपॉन 20। तो दिस विल इक्वल टू 0.1 वोल्ट। इसमें ऑप्शन गिवन है क्या, 0.1 वोल्ट। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए थिन स्फेरिकल कंडक्शन शेल ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू, अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी एट द डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्फेरिकल कंडक्शन शेल गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें क्या है कि पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल एट पी, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल ड्यू टू शेल जो होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो रेडियस है वो यहाँ पे देख लो कितनी है, तो रेडियस यहाँ पे दे रखी थी आर बाई टू, ठीक है। तो ये आर बाई टू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, आर बाई टू प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, ठीक है। सेल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो स्मॉल क्यू चार्ज है एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी रेडियस कितनी है आर। दोनों को सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको, तो ये वाला चेक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन देख लो। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है, 2q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r प्लस q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r, दिस वन इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻³ माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन 0,0 ऑफ xy कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू पॉइंट्स a एंड b आर सिचुएटेड √2, √2 एंड 2,0 रेस्पेक्टिवली, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b विल बी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर मिल जाए तो मतलब ये समझिएगा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपको गिवन है कितना, 10⁻³ माइक्रोकूलम का चार्ज गिवन है, और ये कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, और दो पॉइंट हैं ए और बी जिनकी पोजीशन आपको गिवन है, ठीक है। तो पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4πε₀Q/R, ये फॉर्मूला अपने को पता है, ठीक है, पोटेंशियल के लिए। अब यहाँ पे क्या है, आर जो है वो क्या है, सेपरेशन होता है बिटवीन द चार्जेस एंड द पॉइंट जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सो वी ए निकालेंगे सबसे पहले, और ए की लोकेशन आपको गिवन है, तो ए की लोकेशन क्या है, ये है √2, √2 से ओरिजिन तक की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा ए ओ इज इक्वल टू √√2² + √2² तो मतलब 2² कितना हो गया, मतलब √2 कितना हो गया 4, और ये आ जाएगा √4 यानी कि 2, कितना आ गया 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/4πε₀, और चार्ज कितना है क्यू, और यहाँ पे यही लगा देंगे ए ओ जो कि डिस्टेंस निकल के आई है कितनी 2, राइट।
अब वी बी निकालना है, वी बी की लोकेशन यहाँ पे गिवन थी कितनी, 2.0, 2.0 गिवन है यहाँ पे लोकेशन, तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये हो जाएगा बी ओ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2² + 0, यानी कि ये भी कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे लिख दोगे 2। तो हमें क्या करना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, डेल वी इज इक्वल टू होता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन 2 माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन 2, दोनों ही सेम है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इनके बीच में वो कितना होगा, 0 होगा, मीन्स ऑप्शन जो है वो सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहे कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर इज इक्वल टू 25i कैप प्लस 30j कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0 देन द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2m एंड y इज इक्वल टू 2m बी m फॉर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को समझिएगा, यहाँ पे गिवन क्या क्या है। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, तो वो यहाँ पे दे रखा है 25i कैप प्लस 30j कैप, दिस इज 25i कैप प्लस 30j कैप, एंड साथ ही साथ यहाँ पे गिवन है एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, पोटेंशियल ओरिजिन पर कितना है, 0 है, तो हमें इतने पॉइंट पर यानी कि 2.2 इस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है किस पर, एट पॉइंट 2.2, ठीक है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दी सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमें डेल वी निकालना है, तो डेल वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रॉम कहाँ से, ए से लेके बी तक और ई डॉट डी आर, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लीनियर इंटीग्रल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज कर लेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 25i कैप प्लस 30j कैप डॉट लिख देंगे dx i कैप प्लस dy j कैप, तो ये मिलेगा अपने को 25 dx प्लस 30 dy, ओके। तो सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर लेते तो हो जाएगा 25 इंटू एक्स प्लस 30 टू वाई, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है 25 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, और माइनस साइन आगे चल ही रहा था तो माइनस आगे लगा देंगे, माइनस एंड माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 110, ठीक है वोल्ट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो माइनस 110 ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और इसका स्टेटमेंट देखिएगा, एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 30x² i कैप एग्जिस्ट इन स्पेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी ओ वेयर वी ओ इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन एंड वी ए द पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2m, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला इसके लिए पता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस dv ओवर dx, यहाँ से dv की वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगा माइनस का ई डॉट dx। अब ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल डिफरेंस की निकल के आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे विद लिमिट वी नॉट टू वी ए वी ओ टू टू वी ए एंड डी वी इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 30x² dx, राइट। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू माइनस 30x³/3, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 10, तो यहाँ पे मिल गया माइनस 10x³ और x की वैल्यू दे रखी है 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू 2 टू 4 और 2 8, तो आ गया माइनस 80, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस वन, ठीक है वोल्ट, दिस वन इज करेक्ट, माइनस 80 इज द राइट आंसर, तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि टू थिन वायर स्विंग ईच हैविंग अ रेडियस आर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट विद देयर एक्सिस कोइंसाइडिंग द चार्जेस ऑन द टू रिंग्स आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू रिंग्स, तो इनके दोनों रिंग के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा ये बताना है। तो इसके लिए हमारे पास देखो क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि एक रिंग ये है और सेकेंड जो रिंग है वो है ये, ठीक है, दो रिंग है हमारे पास, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे,
यहां पे इसका सेंटर हो गया ओ और इसका सेंटर मैंने ले लिया ओ डैश, ठीक है। तो यहां से इसकी जो सर्कमफेरेंस है, यहां से हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे ओ डैश तक की, सेम यहां से इसकी डिस्टेंस देखेंगे ओ की, ओके। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि ये डी है, इन दो ये दोनों डी डिस्टेंस पर हैं और इनकी रेडियस कितनी है आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल एट ओ ऑफ लूप, यहाँ पे ए ले लेते हैं लूप और इसको बी ले लेते हैं, तो लूप ए पर, तो ये हो जाएगा इसकी वजह से वी ए इज इक्वल हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर प्लस 1/4 pi epsilon naught माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught हमने ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा 1/r - 1/√r² + d² ठीक है। अब ये हमने क्यों किया होगा इसको समझना जरा। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो ए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है देखो ये आर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें इसमें से इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये वी ए की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं, सेकंड पोटेंशियल एट ओ ऑफ लूप बी, ओके। तो ये हो जाएगा आपका वी बी इज इक्वल टू -1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर प्लस 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। इसको क्या करते हैं कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1/4 pi क्या कॉमन आ रहा है क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught और अंदर बचेगा 1/r² + d² / 1/2 -1/r। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर टू। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इस इन इक्वेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देयर फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 2q/4 pi epsilon naught 1/r -1/r² + d² / 1/2 विच इज इक्वल टू q/2 pi epsilon naught एंड 1/r -1/r² + d² / 1/2, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, इसमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड वाला, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, कह रहा है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई 1 mm एंड 2 mm आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 cm एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इफ द स्फीयर ऑफ कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है यहाँ पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बोथ आर इक्वल, वी हैव ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू आर कैप, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा आर बी अपॉन आर ए मीन्स 2/1, ठीक है। कितना आ गया 2/1 आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 2:1 ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इतना ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया, राइट। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। एंड बाकी कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस कुछ हैं जिनको हमें कवर करना है, तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेके लेंगे उसमें कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय, थैंक यू।